नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं विद अ कंपैरिजन, और कंपैरिजन में आज जो दो गाड़ियां आपके सामने हैं ये 12 से 20 लाख के बीच मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में है। एक तरफ है किया की सेल्टोस और दूसरी तरफ है द ब्रांड न्यू होंडा एलिवेट। इस वीडियो में कुछ पैमानों में इन दोनों गाड़ियों को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जहां पे सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा प्रैक्टिकलिटी। फैमिली के लिए खरीद रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए होगी बेहतर, बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इफ यू आर इंटरेस्टेड जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। कहानी की शुरुआत करें इससे पहले क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि सेल्टोस ऑब्वियसली हावी होती है एलिवेट पे, क्योंकि ऑप्शंस आपको ढेर सारे मिलते हैं, जैसे कि 3 इंजन ऑप्शन, 2 पेट्रोल 1 डीजल विथ द सेल्टोस। वहीं आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से काम चलाना पड़ेगा इन द होंडा एलिवेट। 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस एलिवेट में और 5 मिल जाएंगे आपको इन द सेल्टोस। तो चलिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करें तो स्टार्टिंग कीमत लगभग सिमिलर प्राइस पॉइंट पे शुरू होती है, 11 लाख रुपए एक्स शोरूम। लेकिन टॉप की ओर जाएंगे, 4 ट्रिम्स में दोनों गाड़ियां अवेलेबल है। टॉप की जो कीमत है फॉर द सेल्टोस इज 15,20,000 रुपीज एक्स शोरूम, जबकि एलिवेट का टॉप सस्ता है। लेकिन इस 30,000 रुपए के अगेंस्ट में आपको ढेर सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे इन द किया सेल्टोस। गेम थोड़ा बदलता है जब आप एक ऑटोमेटिक या फिर सीवीटी ट्रांसमिशन देखना चाहते हैं, वहां आपको होंडा सस्ते में विकल्प देगी। इन बजट आपको मिल जाएगा सीवीटी ट्रांसमिशन विद 1.5 लीटर, और इसके पीछे रीजन ये है कि बेस से एक ऊपर आपको मिल जाएगा सीवीटी। मैं आपको 3 ट्रिम्स में सीवीटी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक का आप आनंद उठा सकते हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ ड्राइविंग। वहीं सेल्टोस सीवीटी आपको प्रदान करेगा 16 लाख रुपए एक शोरूम के ऊपर के कीमत पे। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सेल्टोस लंबाई और चौड़ाई में एलिवेट से आगे है, वहीं एलिवेट में आपको बेस्ट इन क्लास 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। व्हील बेस सेल्टोस से बेहतर है, साथ ही साथ बेस वेरियंट में भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिल जाते हैं। दूसरी ओर सेल्टोस को देखेंगे, डिजाइन में कुछ सटल चेंजेस किए गए हैं, काफी टेक सेवी, काफी यूथफुल बनाता है सेल्टोस को। लेकिन ये एक लौती गाड़ी है अपने सेगमेंट में, जहां पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे एज अ ऑप्शन विद द टॉप एक्स लाइन ट्रिम। दोनों गाड़ियों में काफी स्ट्रांग आपको बॉडी क्लैडिंग फ्रंट और रियर बंपर दिख जाता है, लेकिन थोड़ा अपराइट सा डिजाइन है एलिवेट का। वहीं व्हील्स और व्हील आर्चेस के बीच में जो गैप है वो सेल्टोस में आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा। दोनों गाड़ियों के साथ आपको पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स दिख जाएंगे। बूट स्पेस 433 लीटर, आप आराम से 3 फुल साइज बैग डाल सकते हैं। लेकिन जो खास बात है सेल्टोस में वो है इसका फ्लैट लोडिंग लिप, मतलब बहुत भारी सामान उठा रहे हैं तो काफी इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड ऑल्सो इसका जो स्पेयर टायर है ये स्पेस सेवर है, मतलब एक साइज छोटा दिया गया है। दूसरी ओर एलिवेट की बात करें तो 25 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिलेगा, लगभग 458 लीटर्स का, और यहाँ पे लोडिंग लिप ना थोड़ा ज़्यादा ही हाई है, और इसके चलते आपको अगर बहुत भारी बैग उठा रहे हैं तो ज़्यादा कसरत करना पड़ सकता है। लेकिन स्पेस वैसे ही आप आराम से 3 फुल साइज या एक छोटा एक्स्ट्रा बैग भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, और इसका जो स्पेयर टायर है ये फुल साइज दिया गया है। दोनों गाड़ियों का इंटीरियर कंपैरिजन करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि सेल्टोस में आपको ऑलमोस्ट डबल फीचर लिस्ट मिल जाएंगे, कुछ ऐसे फीचर जो एलिवेट में बिल्कुल नहीं है, फॉर एग्जांपल पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब फीचर्स आपको होंडा नहीं देती है। ऑल्सो फिट एंड फिनिश लेवल दोनों गाड़ियों में मुझे अच्छा लगा, लेकिन कंपैरिजन के तौर पर मुझे लगता है सेल्टोस फील्स अ लिटिल बेटर। वहीं इंटीरियर फैब्रिक ऑप्शन भी आपको ज्यादा मिलेगा इन द सेल्टोस। एलिवेट के बैक सीट में बैठा हूँ, और यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है वो है ओवरऑल जो लाइट की ना कमी आपको थोड़ी सी खलेगी कंपेयर टू सेल्टोस। का जो प्राइमरी रीजन है वो है एक पैनोरामिक सनरूफ वर्सेस अ सिंगल पेन छोटा सनरूफ। लेकिन बैक सीट की जब अगर हम एग्जामिनेशन करें तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंडा ने की है।
फॉर एग्जाम्पल दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट आपको इक्वल लेगरूम मिल जाएगा। मैंने अपने लाइकिंग के हिसाब से दोनों फ्रंट सीट को फिक्स कर दिया है और मैं आराम से अपने फीट को मूव कर सकता हूँ, लेकिन एक एलिवेशन दिया है एलिवेट को होंडा ने, और यहाँ पे मैंने पैर को थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस किया है, विच मेक्स मी फील लिटिल मोर कम्फर्टेबल। लेकिन वहीं सेल्टॉस में आपको तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, जो नहीं है एलिवेट में। ऑल्सो एलिवेट का जो बीच का एसी का पोजिशनिंग है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसके चलते अगर कोई तीसरा व्यक्ति बीच में बैठता है उसके घुटने टकरा सकते हैं अगेंस्ट दिस। वहीं सेल्टॉस का बैक जो है वहाँ पे एसी की पोजिशनिंग इज बेटर। ऑल्सो आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा इन सेल्टॉस। ओवरऑल कंफर्ट वाइज, सीट के कंफर्ट वाइज मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा एलिवेट को, लेकिन ओवरऑल पैकेजिंग आई थिंक Kia has done a slightly better job. Honda Elevate, वही 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन 120 PS का पावर बनाता है। लेकिन दोनों गाड़ियों में आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड के मार्केट में आएंगे तो मुझे लगता है Honda जो Elevate प्रोवाइड कर रही है ये इंजन इज वन ऑफ द मोस्ट फन टू ड्राइव। आप हाई बैंड्स में रेव कर सकते हैं, गाड़ी ऑलमोस्ट 4,500-5,000 आरपीएम तक खिंच सकती है, आपको वो रश फील होगा एंड यूड फील एंगेज्ड। राइड क्वालिटी एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको एलिवेट आगे दिखाई पड़ेगी ओवर द सेल्टॉस, लेकिन सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं एंड उससे आई थिंक ज़्यादा सफल हुई है पहले के मुकाबले द सेल्टॉस। ब्रेकिंग की बात करें तो नॉर्मल रेगुलर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ वेरिएंट्स सेल्टॉस के ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ऑल डिस्क ब्रेक दिख जाते हैं, विच ऑब्वियसली एनहांसेस द सेफ्टी ऑफ सेल्टॉस। ये Hyundai और Kia ग्रुप आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अभी इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करती है इस मार्केट में। आपको वही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिल जाएगा, लगभग 113 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है, 114 ब्रेक हॉर्स पावर 250 न्यूटन मीटर वाला एक डीजल भी मिल जाता है। इनफैक्ट यही एक कंपनी है Hyundai के साथ जो अभी भी डीजल पे भरोसा करती है, और अगर आपकी माइल मंचिंग वाला गेम है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईवे टूरिंग करते हैं, तो आप डीजल ज़रूर लीजिए। वहाँ भी आपको सारे ट्रांसमिशन के विकल्प मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, INT मिल जाएगा। नहीं तो आप सिटी में चलाते हैं तो मेरे हिसाब से टर्बो पेट्रोल इज़ द बेस्ट, आपको आराम से 12 से 13 की औसत निकाल के दे देगी, कैन ऑल्सो यू गेट अगेन ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल। अगर 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करें, मैं ज़रूर कहूँगा द Honda Elevate फील्स स्लाइटली मोर पेपी, स्लाइटली मोर एंगेजिंग टू ड्राइव ओवर द Kia सेल्टॉस, लेकिन ऑप्शंस की जब बात होती है द सेल्टॉस गिव्स यू अ बेटर होस्ट। स्टीयरिंग व्हील एलिवेट का थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, मतलब ग्रिप की जब बात होती है थोड़ा सा ज़्यादा आपको हैवी लगेगा। कॉर्नर हैंडलिंग की बात करें तो मुझे सेल्टॉस थोड़ी सी बेहतर लग रही है ओवर द एलिवेट। इसका और एक जो रीज़न है वो ग्राउंड क्लियरेंस, हाई सीटिंग भी है, थोड़ा बॉडी रोल आपको ज़्यादा महसूस होगा इन एलिवेट। माइलेज की बात करें तो मुझे लगता है नेचुरली एस्पिरेटेड होंडा वाला इंजन विल गिव यू लिटिल बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दैन सेल्टॉस का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सेल्टॉस के बेस वेरिएंट से, जबकि 2 एयरबैग्स दिए गए हैं इन एलिवेट के एंट्री लेवल मॉडल में। EBS विथ EBD हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दोनों गाड़ी में आपको एज यू गो अलॉन्ग मिलते रहते हैं एज यू क्लाइम अलॉन्ग। ADAS अब जुड़ चुका है, लेवल 2 ADAS जुड़ चुका है सेल्टॉस के साथ, आपको ज़्यादा फीचर्स देता है, ज़्यादा सेफर बनाता है, लेकिन मिलेगा आपको टॉप लेवल ट्रिम्स में। वहीं एलिवेट में भी दिया गया है होंडा सेंसिंग जिसे कंपनी कह रही है, थोड़े फीचर्स कम है, मोस्टली फ्रंट वाले दिए गए हैं। सेल्टॉस में रिवर्सिंग के भी सेफ्टी असिस्टेंस फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन एलिवेट में अच्छी बात यह है कि बेस से एक ऊपर, मतलब टोटल 4 में से 3 ट्रिम्स में आपको ADAS मिल जाता है। सेल्टॉस जैसे कि आपने देखा आपको ऑप्शंस बहुत देती है, फीचर्स ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन जितने फीचर्स आप घर ले जाना चाहेंगे उतनी ही कीमत भी बढ़ती जाती है। तो अगर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है एलिवेट आपको किफायती रेंज से ऑटोमेटिक देती है, विच इज अ ह्यूज बोनस। कुछ बेसिक पैमानों में एलिवेट हैज डन
ब्रिलियंट जॉब, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन टू होंडा कि हाइब्रिड क्यों नहीं है, फीचर्स में कटौती क्यों की गई है. इट्स अ टिपिकल होंडा एंड जापानीज अफेयर. मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था एलिवेट से, लेकिन अगर आप बजट में लेना चाहते हैं एलिवेट इज द पिक फॉर यू. वहीं सेल्टॉस में आपको ढेर सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपकी फैमिली भी शायद खुश रहे विद अ बिग सनरूफ. व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. इन दोनों में से आपको कौन सी बेहतर लग रही है, फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन विथ मी.